हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज कर रही हूँ अपना मेकअप लुक फॉर माय मैटरनिटी शूट। सो मैं एक बहुत ही न्यूट्रल मेकअप लुक करने वाली, बिकॉज मैं ड्रेसेस चेंज करने वाली हूँ। तो मैंने उसके लिए सबसे पहले ये एन वाई बे का हाइडलोनिक एसिड का सिरम लिया है, जो मैं फेस पे लगा रही हूँ, बिकॉज मैं आज प्राइमर नहीं लगाने वाली। मैं इसी को लगा के अपने फेस में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, सो दैट अच्छा से एक ग्लो आए मेरे फेस पे और बहुत अच्छे फोटोज क्लिक हो। सो ये मेरे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज भी करेगा और बहुत ही अच्छे से ग्लो भी देगा मेरे फेस को। फिर नेक्स्ट मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर रही हूँ ये निविया लिप बाम से, बिकॉज ड्यू टू प्रेगनेंसी मेरे लिप्स बहुत जल्दी चैप्ड हो जाते हैं, तो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली मुझे अप्लाई करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट मैंने फाउंडेशन लिया ये मेबेलिन का, जो 230 नेचुरल बफ है, ये मेरा शेड नंबर। और इसको कुछ थोड़ा सा मैं अपने बैक ऑफ द हैंड ले रही हूँ एंड उसको मैं अच्छे से अपने फेस पे लगाऊंगी बाय दिस डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर। उसको मैंने हल्का सा गीला कर लिया है। मैं अच्छे से फेस में ब्लेंड कर लूंगी। बीच बीच में मुझे बैक पेन हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर रही हूँ, तो प्लीज डोंट माइंड। एंड नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये 25 मीडियम कंसीलर, मेबेलिन का ही है। इसको मैं अंडर आईज में अपने हाई पॉइंट्स पे लगा रही हूँ एंड अराउंड माउथ को भी वो सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं ब्लेंड कर लूंगी। ये कैमरा फोकस इन फोकस आउट कर रहा है बार बार। ये नेक्स्ट मैंने ब्लू हेवन का ये कॉम्प्रेस पाउडर लिया है, इसको मैं हल्का सा अपने जो भी कंसीलर लगाया वहाँ पे लगाऊंगी, सो दैट कि वो क्रीज ना करे, बिकॉज अभी गर्मियाँ काफ़ी हो गई हैं, स्वेट के कारण वो क्रीज हो सकती है, दैट्स व्हाई आई एम अप्लाइंग दिस प्रोडक्ट। जो एक्सेस है वो मैं डस्ट आउट कर रही हूँ। नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस मिनीसो का ये 3-in-1 ब्राउ किट था, वो मैंने अपने मिनीसो हॉल में आपको शेयर करना है आफ्टर दिस लॉकडाउन। सो मैं इसे अपने ब्राउज में इवनली अप्लाई कर रही हूँ ये ब्राउ पेंसिल से। फर्स्ट टाइम मैं आज इसे यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा है ये। आई थिंक 250 रुपीज़ में ये मुझे मिला, उसमें मुझे ये ब्राउ पेंसिल मिला, आई लाइनर मिला एंड दिस स्पूली भी मिला है इसमें। ट्रैवल के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है ये, तो आपको 3 प्रोडक्ट्स एक में ही मिल जाएंगी। नेक्स्ट मैं ये मेबेलिन का ब्राउ पाउडर लेके थोड़ा सा और अप्लाई करूँगी, काफ़ी मेरे आईब्रो स्पार्स है तो मैं थोड़ा फिल इन करती हूँ फोटोज़ में, फिर भी ब्राउज कम ही दिखती हैं, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है। अभी फिर से मैं सेम कंसीलर लेके अपने आईलिड में अप्लाई कर रही हूँ, ताकि मेरे जो आई शेडो जो मैं लगाऊं तो वो थोड़े कलर्स पॉप करें। नाउ मैं ये एलए गर्ल का प्रो कंसीलर लेके थोड़ा सा कॉन्टोरिंग करूंगी, तो ड्यू टू प्रेगनेंसी मेरे काफ़ी सारे फैट मेरे फेस पे भी आ गए, तो फोटोज में थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैं ये कर रही हूँ। तो नोज़ के अराउंड जॉ लाइन में एंड फोरहेड पे मैं थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर लिया एंड उसको प्रेस कर रही हूँ अपने ब्यूटी ब्लेंडर से अपने फेस में। नेक्स्ट में ये रेवोल्यूशन पैलेट ब्लश पैलेट ले रही हूँ, उसका ये जो डार्क ब्राउन शेड है उसको मैं एज अ ब्रॉन्जर यूज करने वाली हूँ। प्रोडक्ट्स के सारे नाम मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं।
अभी नेक्स्ट मैं ये मेकअप रेवोल्यूशन का ये आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, और उसमें सबसे लाइट शेड है वो अपने पूरे आईलेट में लगाने वाली हूँ मैं। नेक्स्ट मैं ये डार्क ब्राउन लूंगी और अपने आउटर कॉर्नर ऑफ आईज में अप्लाई करूंगी। मेरा एक्चुअली मेकअप करने का कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है, जो भी मुझे पहले करने का मन करता है मैं कर लेती हूँ, तो प्लीज डोंट माइंड फॉर दैट। नेक्स्ट ये ब्यूटीफुल शैम्पेन कलर मैं फ्लैट ब्रश से अपने आईज पे लगाऊंगी, इनर कॉर्नर की तरफ जहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन नहीं लगाया है उसको थोड़ा प्लेस करूंगी। मेकअप रेवोल्यूशन का रीलोडेड वेल्वेट रोज पैलेट है ये, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, काफ़ी पसंद आया। ये मैंने अपने पर्पल हॉल में शेयर किया था, इसमें सारे न्यूट्रल्स मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा है, डे एंड नाइट लुक दोनों क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं हल्का सा सेम वही डार्क ब्राउन कलर लूंगी और अपने लोअर लैश लाइन में लगाऊंगी। ब्लेंडिंग ब्रश लेके अपने सारे मेकअप को आई शेडो को ब्लेंड कर लूंगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे। नेक्स्ट मैं ये मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर ले रही हूँ और मैं ब्रश ढूंढ रही हूँ अभी। इनर कॉर्नर में लगा रही हूँ अपने आईज के, सो दैट मेरे आईज थोड़ी बड़ी दिखे। मैं अपने ब्राउ बोन पे भी अप्लाई करी सो दैट मेरे आईज थोड़े लिफ्टेड भी दिखे। नेक्स्ट मैं ये शुगर कॉस्मेटिक्स का मैंने ये ब्लश लिया है, इसको मैं अपने चीक बोन्स पे लगाऊंगी, थोड़ा स्माइल करेंगे एंड फिर लगा लेंगे। सेम मैं मास्टर क्रोम हाइलाइटर लेके हाइलाइट कर रही हूँ अपने फेस को। अपने हाई पॉइंट्स को, अपने क्यूपिड्स को, अपने नोज पे, एंड मैं ये लैक्मे का आईलाइनर लेके इंस्टेंट लाइनर है से पिंक लाइनर बना रही हूँ। काफ़ी पसंद है, काफ़ी अच्छे से, काफ़ी पतला ब्रश होता है तो काफ़ी अच्छे से जो भी शेप आपको चाहिए वो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट में ये वाइट पेंसिल है, ये मिस क्लेयर का है, इसको मैं अपने वाटर लाइन में लगा रही हूँ सो दैट कि मेरे आईज थोड़ी बड़ी दिखे। नेक्स्ट में ये वेगा का मैंने आई लैश कर्ल लिया है, थोड़े आईज को कर्ल कर रही हूँ अपने। मेबेलिन का ये लैश सेंसेशनल मस्कारा, इसको मैं अच्छे से अपने आई लैशेस में अप्लाई कर लूँगी, ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लिफ्ट देता है। मेरा आई लैशेस काफ़ी कम है तो ये काफ़ी अच्छा लिफ्ट देता है, एज ए फॉल्सीज की तरह लुक देता है मेरे आईज को। नेक्स्ट में मैंने ये वेट एंड वाइल्ड का चेस्टनट शेड में ये मैंने लिप लाइनर लिया है, इसे मैं अच्छे से अपने लिप्स को आउटलाइन कर लूँ। मैं एक्चुअली अभी लिपस्टिक नहीं लगाने वाली, सिर्फ लिप लाइनर लगा रही हूँ सो दैट कि मेरे लिप्स को थोड़ा शेप डायमेंशन मिले, बिकॉज मैं आउटफिट्स चेंज करने वाली हूँ तो मैं लिपस्टिक भी चेंज करूँगी अकॉर्डिंग टू दैट।
मेरा फाइनल लुक है ऑलमोस्ट, एंड लास्ट में ये मेकअप फिक्सर मैं अप्लाई कर रही हूँ। आई होप आपको ये मेकअप लुक पसंद आएगा, एंड मैं लास्ट में इंसर्ट कर दूंगी कुछ फोटोज़।